तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे Realme के 10 Pro Plus की, जो भाई तीन चीजों पर टिका हुआ है, डिस्प्ले 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 Emotional damage. बेसिकली इस फोन की डिस्प्ले में तीन ऐसे फीचर्स हैं जो कि काफी ज्यादा हाइप पे लाए जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें कर्व पैनल मिलेगा और 25,000 में पहला फोन बनने वाला है इसके साथ साथ इसकी चिन का साइज काफी ज्यादा छोटा होने वाला है। एंड थर्ड, बड़े बड़े पोस्टर में Realme लिख के दे रहा है कि हम PWM डिमिंग देने वाले हैं। तो आखिर है क्या PWM डिमिंग? तो मेरा नाम है पीयूष और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे PWM डिमिंग है क्या। बट सबसे पहले अगर मैं बोलूं, जिस डिस्प्ले में आप मुझे देख रहे हो, चाहे वो बड़ा टीवी हो, स्मार्टफोन हो या मॉनिटर हो, हर जगह PWM डिमिंग काम कर रहा है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं, झूठ नहीं है। हर एक डिस्प्ले के अंदर जो भी डिवाइस है उसमें PWM डिमिंग काम कर रही है। तो क्या Realme ने हमें पागल बनाया है? तो ऐसे नहीं है भाई, PWM डिमिंग का बेसिकली Realme ने एक बेटर वर्जन यूज करा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि PWM डिमिंग है क्या। तो यह है पल्स विद मॉड्यूलेशन। अब इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में समझाऊं तो ये बेसिकली एक साइकिल है जो कि हमारे फोन के पिक्सल्स को ऑन ऑफ करने के काम आ रही है। अब ये काम कैसे कर रही है डिस्प्ले के अंदर वो समझा देता हूं। अगर आप अपने फोन की ब्राइटनेस को फुल रखते हो तो भी ये काम करती है, कम रखते हो तो भी ये काम करती है। अगर आप फुल रखते हो तो बेसिकली क्या होता है, जो हमें डिस्प्ले इतनी ब्राइट दिखती है तो उस टाइम पर पिक्सल्स कम बार ऑफ होते हैं, ज्यादा बार ऑन होते हैं, तो इस वजह से हमें वो डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट लगती है। जैसे कि आप यहां पर इस ग्राफ में देख रहे हो, अगर मैं अपनी डिस्प्ले की ब्राइटनेस को 50% पर ले जाऊं तो ये पिक्सल 50 टाइम्स ग्लो होंगे और 50 टाइम्स ऑफ होंगे, जिसकी वजह से ब्राइटनेस हमें लो लगेगी। और जैसे-जैसे मैं अपने फोन की डिस्प्ले की ब्राइटनेस को कम करूंगा, वैसे-वैसे पिक्सल ज्यादा टाइम के लिए ऑफ होंगे और कम टाइम के लिए ग्लो होंगे। तो इस तरीके से PWM काम करता है। अब ये ग्लो हो रहे हैं, ऑफ हो रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन इसकी डिसएडवांटेज बहुत बड़ी है जो कि हमारे नैन चक्षु को खराब कर देती है। इस पर मैंने 2 साल पहले वीडियो बनाई थी और Realme अब बता रहा है इसको भैया मैं तो टूट गया। तो PWM आंखें कैसे खराब कर रहा है, मैंने उस वीडियो के अंदर ही बताया था। देखो, जब हम अपनी ब्राइटनेस को फुल रखते हैं 100% पर तो पिक्सल कम बार ऑफ हो रहा है, जिसकी वजह से टाइम गैप है ऑफ का वो कम है और यहां पर हमें फ्लिकरिंग नहीं नोट होती। लेकिन जैसे जैसे मैं अपने फोन की ब्राइटनेस को कम करूंगा, वैसे वैसे भाई जो टाइम गैप है ऑफ पिक्सल का वो ज्यादा हो जाएगा और यहां पर फ्लिकरिंग स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि आपको वो आंखों से नहीं दिखेगी, आपने देखा होगा जनरली जब हम कोई वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर फोन की तो उसमें डिस्प्ले फ्लिकरिंग हमें काफी बार नोट हो जाती है। तो वहां पर ऐसा इसी वजह से है क्योंकि फोन की डिस्प्ले की ब्राइटनेस थोड़ी कम होती है और जो हमारा कैमरा उसकी शटर स्पीड थोड़ी डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से वो कैप्चर हो जाता है। अब इसे कुछ ऐसे समझे जैसे कि इंफ्रारेड हमारी आई से तो नहीं दिखती लेकिन भाई कैमरा उसे नोट कर लेता है। अब ये बेशक हमारी आई से नोट नहीं होती लेकिन ये हमारी आईज पर काफी ज्यादा स्ट्रेस डाल दिया। आपने देखा होगा जनरली आपके साथ, आपके फ्रेंड के साथ होता होगा, जब वो ज्यादा फोन चला लेते होंगे तो सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, चक्कर आते हैं, आंखों में दर्द होता है, वो अलग। और मेरे साथ भी सेम ही सीन है और ये जनरली चीज नोट हुई है एमोलेड पैनल के साथ। अब इसका सॉल्यूशन स्मार्टफोन कंपनी ने निकाला, डीसी डिमिंग। तो डीसी डिमिंग बेसिकली काम सबसे पहले तो एमोलेड पैनल के साथ ही करता है, क्योंकि एमोलेड पैनल में ना हर एक अलग अलग पिक्सल होता है, हर किसी के पास अपनी एक लाइट होती है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जब भी आप डीसी डिमिंग को यूज करते हो अपने स्मार्टफोन के अंदर तो हर एक पिक्सल के पास इक्वल करंट जाता है। सपोज मैंने फुल ब्राइटनेस की हुई है तो सबके पास भाई एक मैक्सिमम करंट जा रहा होगा जो कि उसे ग्लो करा सके मैक्सिममली। लेकिन जैसे जैसे मैं कम करता रहूंगा तो वैसे वैसे जो करंट सप्लाई है वो भी कम होती रहेगी हर एक पिक्सल के अंदर, जिसकी वजह से वो इवनली ग्लो करते हैं और कोई भी फ्लिकरिंग नहीं मिलती। लेकिन यहीं से स्टार्ट हो जाती है इसकी एक सबसे बड़ी दिक्कत, जिसकी वजह से एप्पल और सैमसंग ने अभी तक यूज नहीं करा। तो इसमें सीन क्या है, जैसे मैंने बताया एमोलेड के पास भाई अपना एक पिक्सल होता है तो इनके अंदर सब पिक्सल फॉर्मेट में RGB पैटर्न होता है। तो जब भाई वोल्टेज सप्लाई इनके अंदर इक्वली कम की जाती है, ज्यादा की जाती है, तो अलग-अलग कलर की वेवलेंथ होने की वजह से जो कलर्स हैं डिस्प्ले के उसमें डिफरेंस आ जाता है। और जनरली हमने देखा भी है कि OnePlus की डिस्प्ले हो गई या Oppo की डिस्प्ले हो गई, जिसमें भी DC डिमिंग मिलती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, या तो वो ज्यादा ही पिंक होती है डिस्प्ले या ज्यादा ही ब्लू होती है। और जनरली ये वाली चीज काफी बार देखी गई है। तो इस वजह से Apple और Samsung जैसी कंपनियां DC डिमिंग देने से कतराती हैं। अब DC डिमिंग भाई ऐसा नहीं है कि एक अलग सी डिस्प्ले होती है, इसके अंदर भाई PWM यूज होता है जब तक आप DC डिमिंग को इनेबल ना करो। तो DC डिमिंग का आपको ऑप्शन अलग से दिया जाता है हर एक स्मार्टफोन के अंदर। तो हमारी खुद की चॉइस है, हमें भाई क्वालिटी चाहिए या हमें अपनी नैन चक्षु बचाने हैं। समझ रहे हो ना। तो अब सवाल ये उठता है कि Realme की PWM डिमिंग DC डिमिंग से कैसे बेहतर है और हमारे नैन चक्षु को खराब होने से कैसे बचाएगी। तो उससे पहले बता दूं, जितने भी मार्केट के अंदर प्रीमियम कैटेगरी के स्मार्टफोन है, लाइक Samsung S22 Ultra हो गया, आईफोन हो गया, इन सभी की डिस्प्ले में जो PWM डिमिंग है वो 480 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर काम करती है, लेकिन Realme ने वहीं पर 2160 हर्ट्ज पर यूज करी है। तो भाई इसका यूज कैसे है, लाइक मेरे पास ये बड़े बड़ी जो लाइट है, अगर मैं इनको 1 सेकंड के अंदर 100 बार ऑन ऑफ करूं तो आई थिंक हमें थोड़ा बहुत नोट हो जाए। लेकिन अगर मैं इसकी
इसकी स्पीड को इंटू 5 कर दूं तो एक सेकंड में 1000 बार जब ये ऑन ऑफ होगी तो शायद ही हमें नोटिस होगा कि भाई ये ऑफ हो रही है, हमें ज्यादा टाइम ही जलती हुई दिखेगी। तो इसी तरीके से रियलमी ने करा है, रियलमी ने इसके ऑन ऑफ होने की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है जिसकी वजह से हमारी आईज को कम विजिबल होती है। रियलमी ने यहां तक इसे साइड बाय साइड S22 अल्ट्रा से भी कंपेयर करके दिखाया, अगर आप कम भी करते हो ब्राइटनेस तो इसके अंदर जो फ्लिकरिंग है वो ना के बराबर होगी जिसकी वजह से हमारी आईज पर स्ट्रेस काफी कम पड़ने वाला है। तो ये डीसी डिमिंग से इसलिए भी बेहतर है क्योंकि डीसी डिमिंग के अंदर क्या होता है कि हमारी जो डिस्प्ले क्वालिटी है उसमें हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन हमें यहाँ पर क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ रहा और ना ही हमारी आईज पर ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है। तो अभी तक तो भाई जितना भी हमने इस टेक्नोलॉजी के बारे में सुना है काफी ज्यादा एक्साइटिंग लग रही है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि भाई हमारी आईज को खराब होने से बचा रही है। तो मेरे को लगता है 2023 का जो मेन टॉपिक होने वाला है डिस्प्ले में वो यही रहेगा, क्योंकि हर एक स्मार्टफोन आई थिंक इसे एडॉप्ट कर लेगा और भाई करना भी चाहिए क्योंकि हमारी आईज इससे बचने वाली है। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर, बाकी आप बताना, आई होप कि आपको PWM डिमिंग के बारे में समझ में आया हो। सो दैट्स इट गाइस, मिलते जल्द एक कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए जो मन में आया गाइस वो करें, टच योर हार्ट फिल्म, स्टे इन विद एचएफवी अनबॉक्स गाइस।